छोटी बातें दिलों को जोड़े, छोटी छोटी बातें रिश्तों को तोड़े, छोटी छोटी बातें नजदीक लाए, छोटी छोटी बातें दूरियां बढ़ाए। रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हम अक्सर कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपनों के लिए कर रहे हैं, अपने रिश्तों को निभाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ते ही हैं जो जीने का सहारा बनते हैं। रिश्तों की गर्माहट से ही जीवन संघर्ष की हर सिहरन हर कपकपी में राहत मिलती है। जीवन में खुशी हो या दुख, उन्हें बांटने के लिए हर कोई एक रिश्ते की तलाश करता है। परंतु यह भाग्य की बात ही है कि किसी को रिश्ते मिले और उनमें प्रेम और स्नेह भी मिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ढेर सारे रिश्तों के बीच भी अकेले हो जाते हैं। आपको हर तरफ से तिरस्कार मिलता है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। आपके अपने आपके मुंह पर दरवाजे बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि काश कोई तो मेरा साथ देता। ऐसी ही परिस्थितियों में नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आपका हाथ थामता है और आपसे कहता है, अकेले नहीं है आप। अकेले नहीं है आप। ये कहानी अपने अस्तित्व की तलाश करती कोमल की है। कोमल का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के निवासी रमेश बाबू के घर हुआ था। हम उसके जन्म के दिन से ही शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। रमेश जी, ये बताइए कि रमेश को बेटा होने का मन्नत पूरा होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा, मैंने ही तो सुझाया था इसे कि कैसे ये बेटे का बाप बनेगा। बहुत अनुभवी हो। वैसे एक बात बताऊं, हम ऐसे ही इन्हें गुरु नहीं कहते, बहुत पहुंचे हुए चीज है। थोड़ा सा बैठिए आप लोग, मैं देखता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूरी है। रमेश बाबू के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन उस बच्चे में कुछ ऐसा था जिसकी हल्की सी सुबगाहट तो हुई पर पूरे सच की आवाज बेटा जन्मा है के शोर में छिपा दी गई। सभी को लगा रमेश बाबू के यहां बेटा हुआ है, लेकिन सच ये था कि कमल एक थर्ड जेंडर था। रमेश बाबू ने इस बात को नकार दिया और अपनी जिद में ईश्वर की एक कृति को अपनी ही तरह से गढ़ना आरंभ कर दिया। और इसकी शुरुआत इससे हुई कि बच्चे को एक लड़के का नाम कमल दिया गया। रमेश बाबू ने एक थर्ड जेंडर को लड़के का नाम तो दे दिया था, लेकिन उसके शरीर और उसके मनोभाव तो प्रकृति के अनुसार ही होने थे। कमल बेटा, ये तूने क्या पहन लिया है? अगर तेरे पिताजी ने देख लिए। कमल, कमल,
कमाल। आप तैयार हो गए जी? क्या छुपा रही हो? वो क्या छुपा रही हो? कमल बाहर निकलो। कुछ नहीं पसंद। कमल बाहर आओ। कमल कुछ नहीं जी, बस यूं ही खेल रहा था। ये खेलने की चीज है? ये बिंदी, ये साड़ी खेलने की चीज है? ना कटाएगा मेरी? छोड़ दे जी, बच्चा है, अब नहीं करेगा। करेगा करेगा, ये इसकी फितरत ही है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला। चल छोड़ दीजिए, बच्चा है जी। चार दिन भूखा रहेगा ना, ज्यादा ठिकाने आ जाएगी। एक पिता अपनी जिद में अपने बच्चे को सजा दे रहा था, सजा भी उस बात की जिससे बच्चा बिल्कुल अनजान था। उसकी मां और दीदी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। इन सब के बीच बस एक ही बात राहत देने वाली थी कि कमल की पढ़ाई कभी बंद नहीं हुई, बड़े होने के साथ उसकी शिक्षा जारी रही। लेकिन उम्र के हर बढ़ते कदम के साथ उसके शोषण का दायरा बढ़ता जा रहा था। परिवार, मोहल्ला, यहां तक कि उसके कॉलेज के दोस्त भी उसको अलग ही दृष्टि से देखते थे। यार वो आज बहर बहुत अच्छी दिख रही है यार। भाई जब मैं कॉलेज में आया ना, इतनी मस्त लग रही थी, क्या बताऊं मैं आपको। मीनास बात करके रहूंगा यार। पागल हो गया क्या? दो झापड़ में तेरे को यहीं पे मार देता हूँ, लगेगा कि मीना ही मारी है तेरे को। ये तू सही कह रहा है, सीधा बात करूंगा ना तो भड़क जाएगी। एक आइडिया है यार। क्या आइडिया है भाई? हेलो कमर। हाय। तू हमारा दोस्त है ना? हाँ। मेरे काम कर दे यार। क्या? मीना से मेरी बात करवा दे यार। मैं सब काम नहीं करता और तुम लोग भी मत करो। मीना अच्छी लड़की, उसे परेशान क्यों करते हो? अरे सलाह किसको दे रहा है तू? हम तो तेरे को इसलिए बोल रहे हैं कि लड़कियों से तुम्हारी अच्छी पटती है। अरे क्यों नहीं पटेगी भाई, आखिर ये भी तो एक लड़की जैसा है। हटो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। अरे जा जाओ कमला रानी। कमल का जीवन उलझता जा रहा था। कहानी यार। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। पिताजी मुझे प्यार क्यों नहीं करते? दीदी मैं पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। जब कोई मुझे परेशान करता है, मुझे रुलाता है ना, और जब कोई मुझे परेशान करता है तो लगता है कि दौड़ कर जाओ और पिताजी के पीछे जाकर छुप जाओ। लेकिन फिर डर जाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया ना तो पिताजी मेरे को मारेंगे, बहुत मारेंगे दीदी। ऐसा क्यों दीदी? मैं ऐसा क्यों? भी रुला दिया, मैं सबको परेशान करता हूं। मुझे तो लगता है मैं खुद को भी परेशान करता हूं। लगता है कि मैं अंदर से कुछ और हूं और बाहर से कुछ और। संभवतः यह पहली बार था जब कमल ने अपने अंदर को बाहर आने दिया था। उसे एक अजीब सी खुशी मिली। इसके बाद वो लगातार स्वयं के लड़की होने के एहसास को महसूस करता गया और उसने धीरे धीरे लड़कियों की तरह
रहना शुरू कर दिया। स्वाभाविक था कि रमेश बाबू को उसका यह व्यवहार नागवार गुजरा और उन्होंने एक फरमान सुना दिया। आप इसकी शादी कर देते हैं, आप इसकी शादी कर देते हैं। लेकिन पिताजी कैसे हो सकता है? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब जो हम चाहेंगे वही होगा। बस पिताजी, जब तक मैं नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं, तब तक मैंने बहुत सुनी आपकी, लेकिन अब नहीं। कोमल, अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। समझा दो इसे, और ना समझा सको तो तुम भी इसके साथ इस घर छोड़ के जा सकती हो। दीदी, 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 कोमल के लिए घर के दरवाजे बंद हो गए थे। उसके सामने दो ही रास्ते थे, अकेले रहना या थर्ड जेंडर ग्रुप से जुड़ना। वो थर्ड जेंडर ग्रुप से जुड़ गई। वो किराए के मकान में रहती और भिक्षा मांगती, लेकिन एक परिवार में रही कोमल को अपनों की कमी ने आखिर तोड़ ही दिया। वो बीमार रहने लगी। बीमारी ने भिक्षा छुड़वा दी और भूख बढ़ा दी। तभी अपनी दीदी को फोन लगाती है। हेलो। हेलो। हेलो कौन? हेलो दीदी, मैं कोमल। कोमल, कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना? नहीं दीदी, मैं आप लोगों के बिना मर जाऊंगी। ये क्या बोल रही है तू? हाँ दीदी, आजादी की जीने की चाह में मैं घर से बाहर तो आ गई, लेकिन हमारा घर मुझसे बाहर नहीं आया दीदी कभी। तो तू आ जाना वापस। पापा नहीं मानेंगे दीदी। कैसे नहीं मानेंगे?
तेरा बराबर का हक है। लेकिन दीदी। लेकिन कुछ नहीं, तू एक काम कर, कोमल की दीदी ने कोमल को लोक अदालत में जाकर विधिक सहायता लेने को कहा। कोमल ने पिता पर भरण पोषण के लिए मामला दर्ज करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर से सहायता मांगी। प्राधिकरण ऐसे मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत सहायता देता है। कोमल को भी सहायता दी गई और उसे उसकी ओर से पैरवी करने के लिए पैनल लॉयर प्रदान किया गया। मामला कुटुंब न्यायालय में पहुंचा। रमेश बाबू, आपकी बेटी आपकी जिम्मेदारी है, फिर आप इससे क्यों बचना चाह रहे हैं? हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहे हैं। घर छोड़कर यह भागी थी, क्या करते हैं हम? रमेश बाबू, आप इनकी जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, तो ये क्या करते हैं? समाज में रहना है तो शादी करनी ही पड़ती है। छोड़िए पुरानी बातों को रमेश बाबू, हो सके तो आप लोग एक साथ आने का प्रयास करिए। मैं तो कहूंगा अगली लोक अदालत में आप लोग आपसी सहमति बनाकर राजीनामा कर लें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों पक्ष आपस में मान जाएं। प्रधान न्यायाधीश और कोमल को नियुक्त किए गए पैनल लॉयर कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे थे कि कोमल और उसके पिता के बीच की दीवार को तोड़ने के लिए उस दीवार पर निरंतर प्रहार की जरूरत है। आने वाली लोक अदालत में सहमति बन सके इसके लिए उन्होंने एक और लोक अदालत से पहले एक प्री सिटिंग का निर्णय लिया। हाँ तो कोमल जी, आप अपनी बात रखिए। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो क्या मेरे पास पैसों का पेड़ लगे? मैंने पहले कहा मैं तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर सकता। देखिए रमेश बाबू, आप भी जानते हैं और आप पूरी तरह से सक्षम हैं, कानून के हिसाब से देखें तो ये कोमल का हक है। देखिए, मेरी तो आप लोगों को नेक सलाह है कि न्यायिक प्रक्रिया में उलझने से अच्छा है कि आप लोग ये मामला आपस में निपटा लें। और हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया में रमेश बाबू की धर्म पत्नी यानी कोमल की मां को भी शामिल करना चाहिए। आपके विचार बिल्कुल ठीक है श्रीमान, चलिए। न्यायाधीश कहीं न कहीं यह समझ रहे थे कि कोमल अपने पिता के घर जाना चाहती है और भरण पोषण की मांग ही सिर्फ एकमात्र रास्ता है। इसीलिए उन्होंने पैनल लॉयर से कोमल की मां को सम्मिलित करने को कहा। साथ ही न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्षों को समझाने के लिए काउंसलर उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नियुक्त काउंसलर्स या परामर्शदाताओं ने दोनों पक्षों को समझाया और उनके बीच इतनी सहमति तो बना ली, अगली प्री सिटिंग में राजीनामा करने तैयार हो गए। प्री सिटिंग में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि आने वाली लोक अदालत में इस पूरे प्रकरण का निराकरण होगा। लिखित राजीनामा मिल चुका था, सहमति थी, लेकिन अभी भी कुछ शेष था जो लोक अदालत में घटित होने वाला था। हाँ तो रमेश बाबू, आप भी अपना पक्ष रखिए। साहब, मैं मामला सुलझाने के लिए सहमत हूं लेकिन खुश नहीं हूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप नाखुश क्यों हैं? क्यों दूं इसको, इसका मांगा भरण पोषण? क्योंकि ये हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ तो क्या मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया? अगर जिम्मेदारी से बचना होता ना तो पैदा होते ही से मैंने इसे पढ़ाया, दिखाया, बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए कि मुझे केस करे। रमेश बाबू, आप ही सोचिए, इनके पास और क्या रास्ता था? हाँ पिताजी, ये सही कह रहे हैं, आप अपनी जीत पर थे और वो मजबूर, लाचार और बीमार, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे।
वो भूख और बीमारी से तड़प रही थी, उसके पास कोई नहीं था पिताजी। तो इसमें मेरी गलती क्या थी? घर छोड़ के ये गई थी? घर कैदखाना बोलिए पिताजी, कैदखाना, जहां सिर्फ आपका हुक्म चलता है। फिर भी वो वहां रहना चाहती थी, उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो जैसी है वैसी रहे। लेकिन आपने क्या किया? लड़का बनाने की जिद ठान ली, और जब उसने विरोध किया तो आपने उसे घर से निकाल दिया। पिताजी, आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। हाँ, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, और मुझे पता कि वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। इसीलिए मैं भरण पोषण नहीं दे रहा हूं। मेरे भरण पोषण देने से वो जी नहीं जाएगी, वो भी इस घर के बगैर मर जाएगी। रमेश बाबू, जब आप दोनों के बीच इतना प्यार है तो फिर भूल जाइए सारे गिले शिकवे और कोमल को अपने घर ले जाइए, अपने साथ रखिए उसको। नहीं सर, उसकी भी जरूरत नहीं है, बस पिताजी एक बार अपने मुंह से मेरा नाम बुला ले, मैं खुद ही लौट जाऊंगी। कोमल पिताजी, रमेश बाबू, ना अब आप कभी कोमल की शादी के बारे में सोचेंगे और ना ही उस पर शादी के लिए कोई दबाव बनाएंगे। और कोमल, तुम भी भरण पोषण का दावा वापिस लोगी। घर वापसी, कमाल की घर वापसी थी ये। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश, काउंसलर्स और कोमल के पैनल लॉयर की कोशिशें और कोमल और उसकी दीदी का उनमें विश्वास आज जीत गए थे। लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया। एक पिता को उसकी बेटी मिल गई और एक बेटी को उसका परिवार और परिवार का प्यार वापस मिल गया। ऐसे कितने ही रिश्ते हैं जो उलझ रहे हैं, बस थोड़ी सी सहायता चाहिए और ये रिश्ते सुलझ सकते हैं। सहायता देने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा तैयार है। बस आपको मामला अपने पास के विधिक सेवा प्राधिकरण केंद्र तक लाना है। अगली कड़ी में फिर एक नए रिश्ते, नई उलझन को सुलझाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और याद रखिए, अकेले नहीं है आप। मजबूरियों को समझे, नादानियों को छोड़े, कम करके फासलों को दिलों को दिल से जोड़े, कम करके फासलों को दिलों को दिल से जोड़े।